ईद मुबारक मरजान। अगर मैं ये पूछूं कैसी हो तो? तुम्हारे हाथ को पकड़ूं? हाँ समझ गया, तुम कह रही हो कि ऐसे पूछूं। ठीक है, कैसी हो मरजान? अगर ठीक हो तो एक दफा दबाओ, और अगर नहीं ठीक हो तो दो दफा दबाओ। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं तो दो दफा हाथ दबाओ। असल में तुम देखो तो तुम गलत हो मरजान, मैं तुम्हारे लिए एक काम जरूर कर सकता हूं। ये देखो, ये नफीस ने तुम्हारे लिए दिया है। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखा है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। मरजान, मेरी प्यारी आंखों वाली लड़की, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारे डॉक्टर को फोन किया था मैंने, उसने कहा कि तुम ठीक हो जाओगी, तुम बेहतरी की तरफ जा रही हो, मगर तुम्हारे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। काश के तुम्हारे ठीक होते हुए मैं तुम्हारे साथ होती, काश के जैसा हमने फैसला किया था डॉक्टर के पास जाने का वो हो पाता, काश के अपने जख्मों पर एक साथ मरहम लगाते हम। लेकिन हम एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारेंगे मरजान। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारी जिंदगी कोई हमसे छीन ले। तुमने कहा था ना कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं मजबूत बनने की कोशिश करते करते मजबूत बनी हूँ। तुम भी मेरी तरह कोशिश करोगी तो एक दिन मजबूत बन जाओगी। तुम बहुत जल्द बोल सकोगी, एक दिन अपनी आवाज़ फिर से सब लोगों को सुनाओगी, किसी को अपने साथ ज्यादती करने की इजाज़त नहीं दोगी। मुझे भरोसा है तुम पर मरजान। तुमसे फिर से मुलाकात हुई तो मैं तब एक मजबूत लड़की देखना चाहती हूँ जो डटकर अपने फैसलों पर खड़ी रही। हिम्मत ना हारना प्यारी लड़की। तुम हिम्मत हारोगी तो मैं भी हिम्मत हार जाऊंगी। अगर हमने हिम्मत हार दी तो हमेशा की तरह जालिम जीत जाएगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। जालिम चाहे जितना जोर लगा ले, जीत हमेशा मजलूम की होगी, आज से लेकर उस दिन तक। तुम और मैं दोनों अल्लाह के हवाले हैं। ईद बहुत बहुत मुबारक हो उस्मान बाबा। तुम्हें भी ईद मुबारक हो मेरी प्यारी बेटी। माफ कीजिएगा, आपका हाथ चूमने ना आ सकी। हमारे दिल एक होने चाहिए बेटी, तुम आओ मुझसे मिलने के लिए या मैं आऊँ तुमसे मिलने के लिए, इससे क्या फर्क पड़ता है मेरी प्यारी बेटी। आफरीन मेरे प्यारे बच्चे। ईद मुबारक हो दादी। तुम्हें भी ईद मुबारक। ये लो, ये तुम्हारी ईदी है। बहुत अच्छा है ये, मैं हमेशा छुपा के रखूंगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन ध्यान करना, इसको खोलते हुए अंदर वाले पैसे न गिर जाएं, ठीक है?
अंदर पैसे हैं? बिल्कुल। मुस्तफा भाई कैसे हैं? कैसे होंगे भला, अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। आज क्यों रो रही हो? आज ईद है ना? मुझे लगा था इस ईद को ईद की तरह गुजारूंगी मैं, लेकिन ऐसा ना हुआ। खुशी और गम तो जिंदगी का हिस्सा है नफीस, नसीब वक्त का असीर है बस। अच्छी ईदें भी जरूर आएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाभी। सानिया खाला, आपको भी ईद मुबारक हो। तुम्हें भी। आपके आने का शुक्रिया। शुक्रिया अदा ना करो, तुम अभी हो यहाँ, कुछ घंटों बाद नहीं रहोगी, लेकिन मेरा बेटा यहाँ है, इसलिए मैं आई हूँ ताकि ताहिर नाराज ना हो मुझसे। जी जानती हूँ, मैं चाय लाती हूँ। मैं मदद करती हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। ईद मुबारक हो ताहिर। तुम्हें भी नफीस। बड़ी ईद पर तुम हमारे पास आओगे ना? नफीस, मुझे पता है तुम ऐसा वादा नहीं करते जो पूरा ना कर सको, लेकिन ऐसा किया है। मैंने तुमसे कहा था कि हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ताहिर, ऐसा ना करो, मजीद हम दोनों को तकलीफ ना पहुंचाओ। हम पहले ही बहुत तकलीफ में हैं। तुम ऐसा करोगे तो मैं हिम्मत हार जाऊंगी। क्या मतलब है इसका? तुम हौसला हो मेरा, जो तुम्हें सही लगा तुमने किया। नफीस, मैंने जो भी किया मुझे पता है, मुझे और ईद को बचाने के लिए किया, लेकिन कल जो तुमने मुझसे वादा किया वो पूरा करके एक दिन वापस आओगे तुम, खुद से दूर करने की सजा दूंगी तुम्हें। वाह, मैं यही सोच रहा था कि कप्तान नफीस का हिसाब पूरा करेंगी। यानी तुम मेरी पीठ पे लात मारोगी? हाँ नहीं, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अलग गुजरे हुए हर एक दिन का हिसाब तुमसे अलग अलग करके लूंगी। ना करो। मैं धमकी नहीं देती, अब मेरी मदद करो। ठीक है, जो हुक्म आपका। चलो शाबाश, अपने काम पर लग जाओ। अब तो मुझे सिर्फ उस दिन का इंतजार रहेगा जब तुम एक एक करके मेरा हिसाब लोगी। पागल है, बिल्कुल पागल। Thank you.
पड़ेगी। चली जाएं। गीत ये ना करो। आपने कर भी लिया है। अभी या बाद में मैं आ ही जाऊंगा तुम्हारे पास, फिक्र मत करो तुम। अगर आप मुस्तफा ताया को ना बचा पाए तो, अगर आप फिर से ना आए तो, अगर आपके आने तक मैं बहुत बड़ा हो गया तो, अगर आपने मुझे पहचाना नहीं तो। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान लूंगा मेरे बेटा, मैं तुम्हें पहचान लूंगा मेरे ईद। तब तक मैं नाराज हूँ। भूल मत जाना, ठीक है? ठीक है, नहीं भूलूंगी। शुक्रिया आसमा। कुछ चाहिए हो तो फोन कर लेना। तुम भी अगर बात करना चाहो, कोई मशवरा चाहिए हो तो कॉल कर लेना। ठीक है, फोन करके मशवरा ले लूंगा मैं। बराक जख्मी है फाते, उसका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है बाबू। ताहिर, कैलन को ढूंढ लेगा, तुम परेशान मत होना। ताहिर भाई तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, तुम ये मत भूलना, ठीक है? दफा आप मुझे हो सके तो दिल से माफ कर दे सानिया खाला। हलाल किया। क्या आपका हाथ चूम लो। ताहिर आपके हवाले, उसका ख्याल रखिएगा प्लीज। तुम भी अपने बेटे का ख्याल रखो। क्या हम अलविदा कहेंगे? ये क्या कह रही हो, कोई अलविदा नहीं हो रहा, तुम जरूर लौट के आओगी। आखिर हमने अपनी नापसंद देवरानी को भी तो निकालना है ना। ओए आसिया भाभी। हाँ नफीस। उस्मान बाबा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है ना? आपसे दूर जा रही हूं मैं, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। दिल में रहने वाले आंखों से दूर भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटी,
अपनी हर सांस के साथ तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। एक दफा मैंने तुम्हें एक बात कही थी, तुम्हें याद है? तुम्हारे खून में पागलपन है ताहिर, ध्यान करना, मजलूम को ना जला दो, ये कहा था। क्या मैंने जला दिया है? नहीं जलाया तुमने? Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. तुम्हें याद है? कभी भूलता नहीं हूं। दफा कह चुके हो ये तुम? मुझे रोजाना फोन करना। ये भी बोल चुके हो? इनके आदमियों पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। उतरते ही अपने निशान मिटा देना, मैं यहां सब संभाल लूंगा। वहां लड़कियों के चक्कर में पड़ के मेरी फैमिली का ख्याल मत भूल जाना। हाँ, ये बात तुमने पहली दफा कही है मेरे दोस्त। चलो अपना काम करो। क्यों, तुम नहीं हो क्या? यार तू याद बहुत आएगा मुझे, लेकिन तुम तो अपनी बीवी के चक्कर में मुझे भूल जाओगे। चलो ठीक है, तुम अपनी बीवी के साथ वहां पे मजे करो,
मैं यहाँ सबको संभाल लूंगा। चलो जाओ जाओ। क्या अभी तक नाराज हो? मैं नाराज होना चाहता पर मुझे अंदर से तकलीफ हुई। मेरा भी दिल जल रहा है गीत। मुझे यहाँ तकलीफ है, क्या आपको भी यहाँ तकलीफ है? विदात यहाँ है? सैलान, बेटा ये क्या? यहाँ पर तो हर तरफ तेल ही तेल है। ए बेगैरत, तू तो बिल्कुल ही पागल इंसान है। खबरदार ताहिर, खबरदार, अपनी गन फेंक दो फौरन, क्योंकि इंजन रूम से लेकर यहाँ तक हर तरफ तेल गिरा दिया है मैंने। तुम्हारे एक छोटे से पागलपन की वजह से ये पूरी कश्ती जल जाएगी। अपने दोस्त को देख रहे हो तुम? वो तो बेचारा इस वक्त तुम्हारी मदद करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है ताहिर। फेंक दो ये गन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फेंक दिया मैंने। वेदांत, तुम पागल हो गए हो। देखो यहाँ बच्चे भी हैं। ऐसा मत करो, बच्चों को नुकसान पहुंचेगा। हाँ यहाँ बच्चे भी हैं।
मैं भी तो इसी मौजू पर बात करने लगा था नफीस। थोड़ी देर पहले ये सैलान से जो तुम मिली हो ना, कसम से मेरा दिल रो पड़ा। तुम्हें पता है क्यों? एक मां को ऐसी बेटी के साथ मिलता देखकर जो उसे कभी ना मिली हो, तो खून तो जज्बाती होगा ना। मेरी बेटी, ताहिर, क्या तुमने नफीस को नहीं बताया ये सब? नफीस, सैलान तुम्हारी बेटी। ताहिर, ये सब झूठ है ना? कहो कि ये झूठ बोल रहा है। ताहिर, ये झूठ बोल रहा है ना? वेदांत, वो लाइटर समंदर में फेंक दो। नफीस ने तुमसे कुछ पूछा है? बदतमीजी नहीं करो, जवाब दो। क्या ये सच कह रहा है? कैलन, मम्मी, क्या ये मेरी सगी बहन है? इतने जज्बात काफी है जीत, बहुत हो गया जीत। ये तुम अपनी बहन को लेकर कप्तान के कमरे में जाओ। नहीं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें मरते हुए ये देखे ताहिर? मेरे ही जाओ। ताहिर भाई, अपनी बहन को लेकर जाओ तुम। जाओ, बहन के साथ जाके खेलो, ठीक है? नफीस, ताहिर पे गुस्सा हो कि उसने सैलान के बारे में नहीं बताया तुम्हें? बिल्कुल नहीं। ताहिर ने नहीं बताया तो कोई वजह होगी, लेकिन तुम एक पागल इंसान हो। तुमने सालों से मेरी बच्ची को मुझसे छुपाया। हर चीज का जिम्मेदार मैं हूँ, हर चीज का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम भी मुझसे प्यार कर लेती, नफरत ना करती मुझसे, यूं इस तरह नहीं भागती। काश तुम। अबे वो पागल इंसान, हिलना मत, करीब मत आना। देख विदात, करीब मत आना, वहीं रुक जा तू। मैंने क्या करीब मत आना, पीछे हो जाओ। अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते हैं नफीस, फैसला तुम्हारा है। पहला रास्ता, मेरे पास आ जाओ। हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चलते हैं और कहीं और जाकर एक खुशहाल फैमिली की तरह रहते हैं नफीस। कभी नहीं हो सकता। तो फिर दूसरा रास्ता है तुम्हारे पास। अगर तुम एक खुशहाल फैमिली बनके मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो फिर हम सब यहाँ एक साथ मर जाते हैं। कोई नहीं मरेगा, इसको समुंदर में फेंक दो तुम। करीब मत आना, करीब मत आना। मैंने कहा फैमिली, तुम्हें क्या हो रहा है? खबरदार, करीब मत आना। तुम इसके हाथ बांधो। नहीं। मैंने कहा हाथ बांधो नफीस, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास नफीस, समझी? या फिर आग लगा तुम्हें। बांधो, मैंने कहा। तुम्हें पता है ना, मैं यहाँ से बचने के बाद तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं, तुम ठीक रहो बस, मेरे साथ कुछ भी हो जाए मुझे मंजूर है नफीस। इसलिए नहीं कि तुमने मुझसे छुपाया, तुमसे इसलिए दूर रहूंगी कि तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मेरी बेटी को छोड़ के
रूस ले जाते हुए तुमने मेरी राय नहीं पूछी, इसलिए छोड़ूंगी। तुम हीरो बन सकते हो ताहिर कलीली, लेकिन शौहर नहीं बन सकते। तुम इस हाल में भी फजूल बातें कर रही हो नफीस कलीली। तुम एक वाकई दास्तान बन सकती हो। तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो ताहिर उधर जाओ। मैंने कहा उधर जाओ। अब इसके पांव बांधो। मैंने कहा पांव बांधो इसके। ये बेल्ट मुझे कप्तान के कमरे से मिली। मेरे ख्याल से तुम्हारी है ताहिर। तुम्हें तैरना पसंद है ना बहुत। नफीस को भी तैरना बहुत पसंद है ना मेरी जान। इसको इसके पेट से बांधो। पेट से बांधो इसके। नफीस, तुम पानी में कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकती हो मेरी जान? एक सेकंड। मेरे ख्याल से ताहिर 2 सेकंड तो रोक पाएगा। मेरे ख्याल से ताहिर 2 मिनट तो रोक पाएगा। यानी इस बात का मतलब है कि ताहिर पानी के अंदर मरने से पहले 2 मिनट तक हमारे साथ की हुई बुरी हरकतों के बारे में सोचेगा। तुम क्या कर रहे हो पागल इंसान? समंदर में फेंको इसे। नहीं। मैंने कहा समंदर में फेंको इसे। नहीं। नफीस, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। इस कश्ती को जला दूंगा मैं, बच्चों को भी जला दूंगा मैं। तुम फैसला करो, ताहिर या फिर हमारे बच्चे। जाहिर है कि हमारे बच्चे। इसे समंदर में फेंको। नफीस जल्दी इसे फेंको।
नफीस, अब ये मुसीबत हमारे सर से टल गई है तो हम सुकून से बात कर सकते हैं।